थिंक व्यूअर्स, पाकिस्तानियों के लिए एक और मुश्किल है जनाब, और वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत जो 7 ममालिक हैं उनके मुसाफिरों पर जो पाबंदी थी लगाई हुई, फ़जाई पाबंदी जो थी उसमें मज़ीद तौसी कर दी है और इसकी डेट 6 जुलाई तक पहुँच गई। जी हाँ, 6 जुलाई तक पाबंदी में तौसी कर दी गई है। 6 जुलाई तक मुत्तहिदा अरब अमारात के एयरपोर्ट पर जो है ना तो ट्रांज़िट वीज़ा वाले आ सकते हैं, ना ही डायरेक्ट इन ममालिक से आया जा सकता है। सिविल एविएशन जो अथॉरिटी है UAE की, उसने कहा है कि इन ममालिक में जो लोग 14 दिन क़याम कर आ रहे हैं उनको भी बोर्डिंग पास ना जारी किया जाए। वैसे भी इन ममालिक से आने वालों को बोर्डिंग पास जारी ना किया जाए, और जो फ़ज़ाई कंपनियाँ ऐसा करेंगी उनके ख़िलाफ़ UAE की सिविल एविएशन जो है वो उनको जो है वो उन पर पाबंदी लगा सकती है, उनके फ़ज़ाई पाबंदी का सामना भी हो सकता है और उनके ख़िलाफ़ जुर्माने भी उनको किए जा सकते हैं। जिन ममालिक पर पाबंदी में तौसी की गई है उसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका, नाइजेरिया और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। जी हाँ, ये वो ममालिक हैं जिन पर इस वक्त दुनिया भर में जो है वो पाबंदी लगाई गई है कि इनमें जो है अभी वैक्सीनेशन का अमल उस तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ, यहाँ पर अभी कोविड के केसेस उस तरीके से कम नहीं हुए। और जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात को एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाबंदी के शिकार ममालिक के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन मंजूर शुदा सफारती मिशन, सरकारी वफूद, कारोबारी तैयारे जो चार्टर्ड तैयारे होते हैं, सुनहरी रेजिडेंसी होल्डर्स को सख्त SOPs के साथ दाखिले की इजाज़त है। इन लोगों को सिर्फ दाखिले की इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।